प्रशासन का जो कार्य है, मिनी सेक्रेटरीट का कार्य है, वो सुचारू रूप से अभी भी चल रहा है। और हमने पिछले दो दिनों में जो किसान संगठन है उनसे रेगुलर रूप से बैठकें की हैं। हालांकि बैठक में किसी एक फिक्स्ड चीज़ पे समझौता नहीं हो पाया है, फिर भी हमने दोनों पक्षों ने सहमति जताई है कि जो सारा का सारा प्रोटेस्ट चलेगा ये शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा, और उसमें जो सचिवालय है इसके कार्य को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं किया जाएगा, ना ही कोई सड़क जाम की जाएगी, ताकि आम जन को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और इसी सिलसिले में एक तो मैं जो आम जन हैं, करनाल ज़िले के नागरिक हैं, उनसे उनको आश्वस्त करना चाहूँगा कि उनको किसी भी प्रकार से घबराने की, डरने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उनको कोई इस प्रकार की परेशानी आने दी जाएगी। उनकी मूवमेंट कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, और ना ही उनके सचिवालय के कार्य जो है किसी प्रकार से रुकेंगे। दूसरा, मैं किसान भाइयों से भी अपील करूँगा कि उनका जो प्रोटेस्ट है उसको जिस प्रकार से उन्होंने अभी तक रखा है और संयम का परिचय दिया है, उसी प्रकार से आगे भी उसको पीसफुल रखें। हालांकि पिछले दो दिनों में कुछ इंसिडेंट्स आई हैं जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों ने किसान आंदोलन का नाम लेकर के उसकी आड़ में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रशासन ने ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स को बड़ी सावधानी से टैकल किया और ये इंश्योर किया कि किसी भी प्रकार से आपस का जो एक तालमेल है वो ना टूटे, ना बिगड़े। दूसरा, मैं किसान संगठनों से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि प्रशासन हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। हमने पहले भी उनको ये इंडिकेशन दिया है, उनसे बात की है, आगे भी जब भी वो बातचीत करना चाहें किसी भी मुद्दे पे, तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं और कभी भी वो हमारे साथ बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। इस तरह की संभावना थी कि अगर कुछ गलत चीज़ें या गलत मैसेजेस असामाजिक तत्वों के द्वारा वायरल किए जाएं, तो इसकी वजह से सामाजिक जो ताना बाना है वो ख़राब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बिगड़ सकती है। इस सिलसिले में कुछ दिनों के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सर्विसेज जो है वो सस्पेंड की गई थी, उन सेवाओं को बहाल कर दिया गया है। दूसरा, हमने जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए भी, और जो हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके लिए भी अलग अलग मेडिकल कैंप्स की भी व्यवस्था की है, ताकि इस प्रकार से, क्योंकि ये किसानों की तरफ से धरना भी लंबा है और हमारी फोर्सेज भी लगातार जो है सिचुएशन पर निगरानी रखे हुए हैं, तो किसी भी किसान को या किसी भी जवान को किसी भी प्रकार की कोई मेडिकल परिस्थिति उनके सामने आती है तो हमारी जो मेडिकल टीम्स हैं वो ऑन द साइट ही हमने टीम्स लगा दी हैं, उसका ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पैरेलली हमने करीब 30 के करीब टॉयलेट्स हमने रखवाए हैं, जो कि दोनों किसान संगठनों के साइड भी रखे हुए हैं और वो भी इनको इस्तेमाल करें। पीने के पानी की व्यवस्था भी की गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि जो ये शांतिपूर्वक धरना चल रहा है इसको प्रशासन पूरा सहयोग दे और आपस में किसी भी तरीके का भाईचारा ना टूटे, और लगातार हम बातचीत करते रहें, बातचीत के जरिए इस मुद्दे का हल निकाल। न्योता दिया गया, बातचीत के लिए बुलाया गया, कोई आज बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, न्योता दिया गया है और हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अगर किसान लेकर के आते हैं तो हम निश्चित रूप से बैठेंगे बातचीत। सर, कल करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा और हरियाणा के किसान संगठनों की अहम मीटिंग हो रही है, स्पेशली इसी किसान आंदोलन को लेकर, करनाल के लेकर, तो कल सभी संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर्स आ रहे हैं, तो क्या कल बातचीत हो सकती है? उन्होंने भी मीटिंग में हालांकि कोई बड़ा फैसला, देखिए मैं उनसे आग्रह करूँगा कि चूंकि इस मामले का हल बातचीत से ही निकलना है तो बातचीत पे आएँ, टॉकिंग टेबल पे आएँ, और किसी भी हालत में शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि आमजन को परेशानी हो किसी भी वजह से ये बिल्कुल गलत है, और कोई समूह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी लोगों को, आमजन को परेशान करने की कोशिश करे ये गलत भी होगा, और प्रशासन की तरफ से भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और हमसे बातचीत के लिए आसपास के दुकानदार या जो मॉल्स के हैं, एसईओस हैं जिनके
उनकी तरफ से मिलने के लिए समय लेने की बात आई है, मैंने उनको बुलाया भी है, जिस भी समय वो आना चाहें मैं ऑफिस में ही हूँ मेरे से मिलने। और उनकी तरफ से ये बात आई है कि क्योंकि ये जो प्रदर्शन के लिए जगह लगाई गई है ये सही जगह नहीं है। देखिए जैसे मैंने कहा कि जब बातचीत होती है दोनों पक्ष अपने अपनी बात रखते हैं, कोई बीच का रास्ता निकलता है वही समाधान है। किसानों के द्वारा जो बातें रखी गई हैं वो सरकार को एक स्तर पे मान्य नहीं है, सरकार का प्रस्ताव अभी तक जो है एक स्तर पे किसानों को मान्य नहीं है। फिर भी जैसे मैंने कहा बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, दोबारा बातचीत पे बैठेंगे, कोई ना कोई इसका हल जरूर निकलेगा। उसके मद्देनज़र कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए और शहर में भी जो ट्रैफिक आवागमन भी सुचारू रूप से रखने के लिए पुलिस के द्वारा माकूल और पुख्ता बंदोबस्त अभी तक किए गए हैं। जो 40 कंपनियां हमने डे फर्स्ट डिप्लॉय की थी उनका डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है और रात के समय भी हमारी 10 कंपनी है वो लघु सचिवालय में आसपास के क्षेत्र में तैनात रहती है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई असामाजिक तत्व है कोई गैरकानूनी गतिविधि करने की कोशिश करे तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। अभी तक जितने भी किसान संगठनों के जो मुख्य मुख्य लीडर्स डे या नाइट में यहाँ पर उपस्थित रहते हैं उनका और जो हमारे सिक्योरिटी के जो इंचार्ज रहते हैं उनका भी एक अच्छा तालमेल है, और यदि किसी भी तरफ से कोई इश्यूज आते हैं तो उनका आपस में बातचीत के द्वारा सॉर्ट आउट कर रहे हैं। और किसान संगठनों की तरफ से जो वॉलेंटियर्स जो लगाए गए हैं वहाँ पर धरना स्थल के आसपास में उनका भी अच्छा सहयोग अभी तक मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि आगे से भी जो किसान नेता हैं या जो भी वॉलेंटियर्स हैं उनका अच्छा सहयोग मिलता रहेगा ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति भी बनी रहे और आपस में इस क्षेत्र में शांति कायम रह सके। मेरा सभी करनाल वासियों से भी अनुरोध है कि आप परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पुलिस के द्वारा अब आसपास के क्षेत्र में नाकेबंदी केवल जरूरत के मुताबिक की जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से ट्रैफिक को प्रभावित अभी तक नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही किसी भी प्रकार की अफवाहों पर भी ध्यान ना दे, यदि कोई किसी प्रकार से अफवाह फैलाता है या जो सत्यापित चीज़ ना हो उसको फैलाने की कोशिश करता है जिससे कानून व्यवस्था की शक्ति भंग हो सकती है या समाज में शांति भंग हो सकती है, उसके खिलाफ जिला पुलिस के द्वारा सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी को कोई विशेष रूप से परेशानी हो रही हो और पुलिस से रिलेटेड कोई समस्या हो तो डायल 112 पे भी कॉल कर सकता है। हमारी जो यारी व्हीकल्स है हम सुनिश्चित करेंगे कि वो 10 मिनट के भीतर भीतर मौके पे पहुंच करके इस स्थिति को संभाले। कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय, एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल, कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर वन। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक जीटी रोड पानीपत 9812145।